हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर के, अभी इसका सीजन चल रहा है तो इसका एक तरह का नाश्ता तैयार करते हैं। ये हमने मटर ले लिया है एक वॉक, ये कैप्सिकम हमने हाफ लिया है और दो हरी मिर्च, अदरक 1 इंच, प्याज एक हमने ले लिया है, एक गाजर ले लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता और 10 से 12 करी लीव्स को हमने सबको काट लिया है। और ये हमने आधा कटोरी बेसन ले लिया है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमने सूजी ले लिया है। अब चलते हैं बनाने की तरफ। मिक्सी में हम मिक्सी जार में इसमें हम एक जो हमने मटर लिया उसे हम डाल लेंगे, इसमें अदरक को डालकर और इसे हम दरदरा सा पीस लेते हैं। हमने बेसन और सूजी को एक साथ चाल लिया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी टेबलस्पून हमने लाल मिर्च डाल लिया, आधी टेबलस्पून खड़ा जीरा हमने डाल लिया है। और आधी टेबल स्पून हल्दी। अब इस मसाले को इस मिश्रण में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें एक कटोरी पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, नहीं तो गुठलिया पड़ जाएगा। अब इसमें कटा हुआ एक गाजर डाल देंगे, एक हमने ओनियन लिया था बारीक काटा हुआ, दो हमने हरी मिर्च ली है और आधा कैप्सिकम ले लिया है और 10 से 12 करी लीव्स और 2 स्पून के आसपास हमने धनिया पत्ता ले लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा नाश्ता बहुत हेल्दी बनकर तैयार होगा और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके 1 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। इसमें हमने सारी सब्जियां डाला इसलिए बहुत हेल्दी होगा। इसमें हमने 2 कटोरी पानी डाला है और आधी कटोरी और डाल लेंगे। ये हमारा घोल। अब इसमें जो हमने ये हरी मटर और अदरक को पीस के रखा था उसे इसमें डाल लेंगे। इसे इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखते हैं और गैस पर पैन चढ़ाते हैं। ये हमने गैस पर पैन को गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा 1 स्पून के आसपास हमने ऑयल डाल दिया। इसमें हींग डाल लेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम जीरा डाल लेंगे। जीरा को थोड़ा तड़कने देते हैं। ये जीरा और हींग तड़क गया है, इसको घोल को थोड़ा सा चला लेंगे क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाता है। इसमें आप इसका घोल को डाल देते हैं। अब इसे धीरे धीरे चलाते चलाते इसे पका लेंगे।
इसे धीरे आंच पे ही रखेंगे ताकि अच्छे से सूजी और बेसन पक जाए और सब्जियां भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, ये इसे हमें धीरे धीरे आंच पे ही करना है, नहीं तो फिर ये सटने लगेगा और अच्छा से पकेगा भी नहीं। धीरे धीरे आंच में पकाने से अच्छा से पक जाएगा और गुठलियाँ भी नहीं पड़ेगा। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नया रेसिपी आपको मिल सके। इसे इसी तरह पकाते हुए पूरा इसको गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये घोल जो है पूरा गाढ़ा हो गया है। अब इसे बंद कर देंगे गैस को। देखिए हो गया है, इसे गैस को बंद कर देते हैं। इसे हमने गैस पर से उतार लिया है और एक थाली में हमने थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ लगा दिया है। अब इसमें इसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसे गरम गरम में ही मिला लेंगे। कटोरी के नीचे हम तेल लगा लेंगे और इसे बराबर से मिला लेते हैं। ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है और इसे हम जाते हैं फ्रिज में एक घंटा के लिए रख देते हैं। उसके बाद एक घंटा के बाद निकालेंगे, सेट हो जाएगा तो इसको सेफ में काट लेंगे। ये हमने फ्रिज से इसे सेट होकर निकाल लिया है। अब इसे चाकू की सहायता से इसे जिस भी आकार में हमें काटना होगा उस आकार में काट लेते हैं। हम स्क्वायर में काट रहे हैं। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये हमने इसे अच्छे से काट लिया है, ये हमने स्क्वायर में काटा है। इसे देखिए हम इस चाकू की सहायता से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से निकल गया, नीचे सटा भी नहीं है। देखिए पूरा अच्छे से निकल आया। सारे क्यूब्स को हम इससे निकाल कर जितना हमें अभी फ्राई करना है, आप इसे ऐसे इस खा सकते हैं इसे आप चटनी के साथ, लेकिन थोड़ा सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं अगर आपको फ्राई करना है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। ये हमने इसे इतना निकाल लिया है। अब इसे चलते हैं सेलो फ्राई करने के लिए पैन की तरफ। पैन को हमने गर्म करके इसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अब जितना इसमें पीस आटे का इसे इसमें डाल लेते हैं। इसे इसी तरह से एक तरफ गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। ये हमारा दूसरे तरफ से भी फ्राई हो गया। एक तरफ से साइड हुआ तो उसे हमने डाल दिया ताकि ये भी उधर फ्राई हो जाए। इसे अब हम निकाल लेते हैं। कितना क्रंची क्रंची सा लग रहा है देखने में, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी है। और इसे आप स्टोर करके रख दीजिए, जब आपको चाहिए तब आप इसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए हमारा मटर से बना रेसिपी तैयार हो गया। ये हमने कुछ ट्रायंगल में काटा था उसे फ्राई कर लिया और बाकी सब स्क्वायर में है। और इसे खाने के बाद आपको
इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार बनाकर खाएंगे। ये इतना हमारा ये बच गया है, इसे हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे और इसे जब मन होगा तब, अगर बच्चे के लंच बॉक्स में या फिर कोई आ गए या फिर जब मन हुआ खाने का, थोड़ा हल्का फुल्का भूख है तो इसे बनाकर खा सकते हैं। तो अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।